देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी यहाँ पे योजना लागू की गई है। तो क्या योजना है दोस्तों, कैसे आप आवेदन करोगे, कैसे आप लाभ उठाओगे इस योजना का, कंप्लीट जानकारी हम आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी परिवारों को सीधे मिल रहा है 1 लाख रुपए का लाभ। उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या टर्म है, कंप्लीट जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। यदि आप उन गाइडलाइंस को दोस्तों फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन करिएगा, जिससे आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया सीधा सीधा लाभ मिल जाए। और दोस्तों यहाँ पर फ्री में एक और योजना चलाई जा रही है, जिसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे कि कैसे आप उस योजना का लाभ उठाओगे, कैसे आवेदन करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि यहाँ पे आप कंप्लीट प्रोसेस कर सकें और आप देखिए यहाँ पे अपना फायदा उठा सकें सीधे 1 लाख रुपए का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। उस घोषणा के तहत दोस्तों यहाँ पे सभी परिवारों को मिल रहे हैं 1 लाख रुपए। जी हाँ, और यहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट है, उनसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें कुछ दोस्तों यहाँ पे आवश्यक शर्तें हैं। शर्तें ये हैं दोस्तों कि इसमें जो आपकी सालाना आय है वो थोड़ी सी कम रखी गई है। ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे 3 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं 1 साल के अंदर, तो उनको यहाँ पे इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आपकी अर्निंग 3 लाख रुपए से एक्स्ट्रा है सालाना, तो यहाँ पे देखिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये अर्निंग का आप कैसे पता लगाओगे दोस्तों, तो आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, बेशक आपकी अर्निंग थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है, लेकिन यदि आपके इनकम सर्टिफिकेट में 3 लाख रुपए से कम है आपकी सालाना इनकम, तो आप इस योजना में लाभ ले सकते हो। अब देखिए बात करेंगे कि बाकी के जो कंडीशंस हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में। दोस्तों बाकी डॉक्यूमेंट जो हैं आपके यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। यदि राशन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आधार कार्ड भी चलेगा। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है तो लगा दें, यदि नहीं है तो यहाँ पे आधार कार्ड से आप आवेदन कर सकते हो। अब देखिए आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास में वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड नहीं है तो किसी भी तरह का कोई भी पहचान पत्र, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो आपके ऑफिस दफ्तर का हो दोस्तों, और चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपने आधार कार्ड के साथ लगाइए और उसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट लगाइए। अब देखिए उसके साथ में आपका किसी भी सरकारी बैंक में, जी हाँ, जो आपके नज़दीकी सरकारी बैंक हो या कहीं भी हो, कोई सरकारी बैंक जिसमें आपका खाता हो दोस्तों, वो खाता यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, आपके खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, जिससे कि वहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब यहाँ पे डिटेल्स चली जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी काम करने के बाद आपको, जैसा कि हमने बताया है, कि इनकम सर्टिफिकेट और देना है साथ में, जी हाँ, आय प्रमाण पत्र और देना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देने हैं अपने नज़दीकी जो सामुदायिक विकास केंद्र होता है दोस्तों, वहाँ पर जाके आपको एक फॉर्म मिलेगा दोस्तों, और वह फॉर्म भर के आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सबमिट कर देना है, जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे आपको अपना रोजगार स्टार्ट करने के लिए सीधे सीधे 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बता दें दोस्तों, इनमें किसी भी तरह का कोई और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिकवरी के लिए आपको नहीं लगाना, जैसे जमीन घर डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी आप छोटा मोटा लोन लोगे तो उसमें गारंटर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, अब गारंटर कहीं पे मिलते भी नहीं हैं, और मिलते हैं तो उनको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दलालों से बचने के लिए और ये गारंट्स वगैरह से बचने के लिए यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है किसी भी गारंटर की और किसी भी दलाल की। दोस्तों जैसे ही आपको यहाँ पे इस योजना का लाभ मिलेगा, आवेदन करने के बाद आप आवेदन कर दो, उसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो पैसे आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे, जो भी अकाउंट आपने लगाया है। और देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई भी ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें दोस्तों 5 साल का यहाँ पे समय रखा गया है, उस 5 साल के अंदर अंदर आपको यह पैसा वापस कर देना है। और हो सकता है दोस्तों प्रधानमंत्री जैसे कि बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते रहते हैं गरीब लोगों के लिए, तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि यह पैसा बाद में माफ भी किया जा सके। अब देखिए बता दें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 11 करोड़ दोस्तों आवास दिए थे, अभी तक किसी ने इतने आवास नहीं दिए हैं अपनी गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर 11 करोड़ आवास दिए थे और दोस्तों 9 करोड़ यहाँ पर गैस सिलेंडर दिए थे। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर वंचित रह गए। तो प्रधानमंत्री ने दोस्तों उसी योजना को फिर से लागू किया है। यदि आपके पास अपना घर नहीं है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री दोस्तों आवास दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में, और आवास के लिए सीधे सीधे यहाँ पे 2,67,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जी हाँ, 2,67,000 रुपये, तो वह भी आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेंगे, इस बात पर भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। और दोस्तों यदि आपके घर में अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है तो आप गैस कनेक्शन फ्री ले सकते हो। जी हाँ, यदि आपके पास अभी तक आपका गैस कनेक्शन नहीं हुआ है तो आप फ्री में दोस्तों यहाँ पे गैस कनेक्शन ले सकते हो।
तो यहाँ पे देखिए गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके और गैस कंपनी जो भी आपके नज़दीकी गैस कंपनी है वहाँ पे दोस्तों आपको चले जाना है, चाहे वो इंडियन हो, भारतीय हो, जो भी हो आपको। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी प्रोसेस, सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड लेके दोस्तों और राशन कार्ड लेके और अपने ग्राम प्रधान से ये चीज़ लिखवा के कि आपके पास गैस कनेक्शन नहीं है और आप चाहते हो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको अपने नज़दीकी गैस सेंटर पे पहुंच जाना है जहां से आप गैस उठाना चाहते हो। और वहां पे जाके दोस्तों प्रधानमंत्री गैस कनेक्शन योजना जो चलाई जा रही है, जो दोस्तों उज्ज्वला योजना है, उसके तहत आपको यहाँ पर आवेदन कर देना है जिससे कि आपको यहाँ फ्री में मिल जाए गैस कनेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हफ्ते दो हफ्ते के अंदर ही आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। अब देखिए बात करेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। जी हाँ, जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बता दें दोस्तों आवास योजना का लाभ काफ़ी लोग उठा चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं कि जो रहने के लिए घर नहीं है और काफ़ी बेघर आदमी हैं, काफ़ी परेशान हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में तो कैसे आप यहाँ पे अपना घर ले सकते हो। देखिए मान लीजिए आपका अच्छा खासा काम चल रहा है लेकिन आप कहीं भी रेंट पे रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, तो भी आप यहाँ पे अपना घर ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों कैसे आप आवेदन करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उन चीज़ की हम यहाँ पे जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री ने दोस्तों इस योजना का उद्देश्य यही रखा है कि जो बेघर लोग हैं, जिनको काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, जो बेघर होता है उसको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, आप सब जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपके पास, सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए दोस्तों आपके पास राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिना राशन कार्ड के आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर राशन कार्ड बनवा सकते हो। यह 10 से 15 दिन में दोस्तों, जो जैसा कि यहाँ पर एक देश एक राशन कार्ड योजना चलाई गई है, तो डिजिटल राशन कार्ड आने लगे हैं, तो यहाँ पे 10 से 15 दिन में आपको ये डिजिटल राशन कार्ड मिल जाएगा। यदि आपके पास पुराना राशन कार्ड है उससे भी काम चलेगा, डिजिटल की यहाँ कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए डिजिटल राशन कार्ड बनवा लें। तो दोस्तों आपको अपना राशन कार्ड सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगाना है, उसके बाद में आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ किसी भी तरह का कोई भी एक पहचान पत्र, जैसा कि हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, इतने सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट और लगा देना है, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना लखपति करोड़पति लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। जी हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब लोगों पे दोस्तों खास ध्यान देते हैं ताकि उनकी परेशानियों से उन्हें वंचित कराया जा सके और दोस्तों योजनाओं का लाभ मिले उन्हें सबसे पहले, और दोस्तों उनकी परेशानी मुक्त होने की ज़िंदगी बनाई जा सके। तो यहाँ पे आवास योजना जो चल रही है उसमें आप ज़रूर आवेदन करिए ये सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद। और दोस्तों यहाँ पर आवास योजना के तहत आपको सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में, जैसे जो भी आप बैंक अकाउंट लगाओगे अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, वह बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से अटैच जरूर होना चाहिए दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका बैंक अकाउंट अभी तक आधार कार्ड से अटैच नहीं हुआ है तो सिंपल सा आपको एक काम करना, अपने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करा के आपका जिस भी बैंक में खाता है दोस्तों वहाँ पर जाके फ़ोटो कॉपी दे देनी है, जिससे कि बैंक वाले आपके आधार कार्ड को आपके खाते से अटैच कर दें। तो देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको यहाँ कुछ ही दिनों में आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पे आवास योजना का लाभ उठा चुके हैं। और देखिए यदि आपको किसी भी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है तो यहाँ पे जो लेटेस्ट योजनाएं चल रही हैं उनमें आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब यह है कि उनमें आपको सबसे पहले लाभ मिलेगा दोस्तों। तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको अभी तक कोई योजना का लाभ नहीं मिला है या किसी योजना का मिल गया है और आप किसी और योजना का लाभ और लेना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दोस्तों ज़रूर बताएं। उसके साथ में आपको अपना नाम, अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम हमें ज़रूर दें, जिससे कि हम आपकी जानकारी को दोस्तों आगे बढ़ा सकें और आपकी जानकारी को आगे बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे फ़ायदा दिला सकें सबसे पहले योजनाओं का। तो जो भी लोग यहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारी दोस्तों पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और देखिए इन योजनाओं में होता क्या है दोस्तों, ये होता है कि जो लोग पहले आवेदन कर देते हैं, जी हाँ जो लोग पहले आवेदन कर देते हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले मिलता है लाभ। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आवेदन करने में दोस्तों काफ़ी लेट हो जाते हैं, जिससे कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यही करना है आपको कि जो भी योजना आए, जो भी योजना हम बता रहे हैं, सबसे पहले उसमें आवेदन करना है जिससे कि आपको लाभ मिल जाए यहाँ पे समय पर। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे योजना आपको चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ दोस्तों अपना नाम वगैरह, अपने ज़िले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों, और अपने शहर का नाम दें, और उसके साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बिना लाइक किए वीडियो को हम आपकी जानकारी को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि दोस्तों लाइक करने का मतलब ये होता है कि आपको यह योजना पसंद है और आप इसमें लाभ लेना चाहते हैं।
देखिए यहाँ पे लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए लाइक बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ये परमिशन होती है कि हम आपकी जानकारी को बढ़ा दें। लाइक करने में आपका देखिए यहाँ पे ना कोई डाटा ना कोई बैलेंस खर्च हो रहा है। जो भी चैनल पे नए हैं नीचे वाला रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।